हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मटर और मशरूम की बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल अलग और नए तरीके से सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दो मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इस तरीके से छील लिया है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर, चार हरी मिर्च और ये लगभग चार कलियाँ लहसुन की। अब हम इनको बॉयल करेंगे। मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इस तरीके से आप टमाटर, प्याज, लहसुन की कलियाँ सब कुछ जो है अच्छे से डाल दीजिए। अब लगभग इसको दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसको बॉईल कर लेंगे। दो से तीन मिनट फ्रेंड, देखिए ये बॉईल हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। जब तक फ्रेंड्स हमारा प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसमें तेल डाल के, इसको तेल को गर्म करके हम जो है अपने मशरूम को फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका, अब हम सारे मशरूम जो है इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। मटर को हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी सफ़ेद मटर है। अगर हम हरी छिलके वाली मटर लेते तब हम मटर को भी फ्राई करते। अभी ये हमारी सफ़ेद मटर है तो इसको हमें फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठंडा चुका फ्रेंड्स, अब हम इसका जो है छिलका उतार लेंगे टमाटर का। इस तरीके से आप भी जो है इसका छिलका उतार लीजिए। अब इसको मिक्सी के जार में डाल के इन सब का पेस्ट बना लीजिए। देखिए ये हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया है। ये हमारे मशरूम भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने मशरूम निकाल लिया है एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ खड़े मसाले, एक आधा छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ी चम्मच कस्तूरी मेथी, एक बड़ी इलायची, कुछ दाने काली मिर्च के और लौंग। इसका हम तड़का दे देंगे। इसको अच्छे से लाल होने देंगे। तड़का हमारा लाल हो चुका है। अब हमने जो अपना प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको हम डाल देंगे। अब ऐड करेंगे हम इसमें मसाले। एक छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच छोटा धनिया पाउडर, एक चम्मच छोटा गरम मसाला। इसको अच्छे से जो है पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको भून लीजिए। लगभग एक मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए और इसको एक मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। इसमें हम एक चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे जो है हमारी सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये तीखी नहीं होती फ्रेंड्स, सिर्फ ये कलर के लिए होती है। इससे देखिए कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। मसाले अच्छे से हमारे भून चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें अपने मशरूम जो हमने फ्राई करके रखे। अब डालेंगे इसमें अपनी मटर। इसको भी फ्रेंड्स मसाले के साथ अच्छे से हम एक मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर हमारा जो है ग्रेवी का रस जो है अच्छे से चला जाए टमाटर और मटर और मशरूम के अंदर। एक मिनट तक अच्छे से इसको भूनने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक छोटी गिलास पानी जो हम इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसको ढककर एक मिनट तक जो है हम इसको पका लेंगे। उससे हमारी ग्रेवी जो है अच्छी बन जाएगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ग्रेवी तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकती हैं। अगर नहीं पसंद है तो एक छोटा गिलास पानी इसके अंदर बहुत है। हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। हम गैस बंद कर देते हैं। मैं इसको आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। मशरूम मटर की सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल गुलाबी रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।